यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। बहुत सारे विषयों को हम लोगों ने स्पर्श किया, विभिन्न प्रकार के अपने वक्तव्य के माध्यम से हमने राम राज्य की अवधारणा को यहाँ पर संकेतित किया। राम राज्य की प्रतिष्ठा का सूत्रपात, बिंदु का निक्षेप, बीज का निक्षेप जिस महर्षि वाल्मीकि जी ने किया, उसको व्याख्यायित करते हुए कवि ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, घुमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जिस कवि ने राम राज्य की संकल्पना की अवधारणा प्रस्तुत की है, वह महर्षि वाल्मीकि जिस समय तमसा नदी के तीर पर बैठकर एक क्रौंच पक्षी के उस क्रीड़ा कलरव को जब देख रहा है और उसमें से निषाद ने एक पक्षी का वध कर दिया और जब चीत्कार करती हुई उसकी चकवी ने जोर से आर्तनाद किया, तो उस ऋषि के अंदर से जो ममत्व उमड़ा, आंखों से घुमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। वो जो कविता आंखों से बही, वही रामायण है। राम अयन मतलब रामायण, अयन का अर्थ होता है मार्ग। राम का मार्ग क्या है, बस ये हमें समझ में आ गया तो राम राज्य समझ में आ जाएगा, राम समझ में आ जाएंगे और अयोध्या भी समझ में आ जाएगी। अयोध्या का तात्पर्य यह होता है, जहां पर युद्ध ना हो वो अयोध्या होती है और जिस जगह पर युद्ध है वह भूमि लंका होती है। इसलिए अयोध्या कांड भी है और लंका कांड भी है। तो हम अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं, इस बात को जीवन में नहीं भूलना चाहिए। राम राज्य के लिए भगवान ने स्वयं कहा, गोस्वामी तुलसी जी के माध्यम से यह स्पष्ट किया, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज्य में तीन चीजें निश्चिंत मान लीजिए, न दैहिक ताप किसी को हो सकता है, न दैविक ताप किसी को हो सकता है और न ही भौतिक ताप किसी को हो सकता है। अर्थात जहां पर ये तीनों की समानता हो और जहां पर इन तीनों से परे जाकर के राज्य की अवधारणा हो, वो राम राज्य होता है। राम के जीवन में आप जब भी पदार्पण करेंगे तो आपको कहीं भी नकारात्मकता नहीं मिलेगी, ये राम है। जिस समय पता चला कि तुम्हें अयोध्या का युवराज घोषित किया जा रहा है और उसी समय पर देवताओं की योजना के अनुसार मंथरा की बुद्धि परिवर्तित की गई और मंथरा ने जो बीज बोया जिसके कारण राम पैदा हुआ, जिसके कारण राम राज्य की नींव डली, वो मंथरा बहुत प्रणम्य है। इसलिए राम ने अपने जीवन में मंथरा का भी उतना ही सम्मान किया है जितना कौशल्या का सम्मान किया है, जितना केकई का सम्मान किया है अथवा अपनी माँ सुमित्रा का सम्मान किया है। मंथरा को भी वो उतना ही मानते हैं, ये राम है। और जिस समय उन्हें ये ज्ञात हुआ कि युवराज पद आते आते उनके हाथ से जा रहा है, तो राम का क्या है, प्रसन्नताम्यान गदाभिषेकतस तथान ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। प्रसन्नताम्यान गदाभिषेकतस, राम का युवराज पद पर अभिषेक होने जा रहा है, ये सुन करके जिनके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं आई, भूल करके कुप्पा नहीं हुए, बहुत ज्यादा आह्लाद पैदा नहीं हुआ कि अब मैं युवराज बन जाऊंगा तो सबको अपनी मुट्ठी में कर लूंगा, नहीं, प्रसन्नताम्यान गता, कोई प्रसन्नता नहीं। और तथान ममले वनवास दुखता, मुझे वनवास दे दिया गया है, ये सुनकर के जिनके चेहरे पर म्लानता नहीं आई, जिनके चेहरे पर थोड़ी सी भी मलिनता नहीं आई कि तुम्हें वनवास दे दिया गया, एक क्षण पहले जो युवराज बन रहा है, एक क्षण पहले जिसे राज्य की अवधारणा में जिसे स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, दशरथ महाराज चक्रवर्ती सम्राट जिसे अपना युवराज घोषित कर रहे हैं अर्थात आगामी राजा जिसको बना रहे हैं, चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं। और अगले क्षण महाराज की आज्ञा नहीं है परंतु सुन लिया कि तुम्हें वनवास हो गया, तो किस तरह से लिया राम जी ने, पिता दीन मोहि कानन राजू, भरत छोटा है, अभी बच्चा है, उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वन में रह लेगा, इसलिए पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है ताकि अयोध्या सुरक्षित रहे। ये राम की सोच, राम की अवधारणा क्या है, एक तरफ रावण है एक तरफ राम है।
जब युद्ध है, युद्ध का दृश्य सामने है, तो युद्ध के दृश्य में क्या स्थिति होती है? भगवान राम युद्ध जब लड़ रहे हैं तो उनके पीछे सेना है। देखिए युद्ध नीति, युद्ध नीति में राजा हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं सुरक्षित रहूं और बाकी सब लोग फंसे। ये राजा का एक सामान्य सिद्धांत, जो भी कुर्सी पर बैठा है वो ये मानता है कि मुझे सुरक्षित रहना चाहिए लेकिन बाकी सब लोग ये सारी जिम्मेदारियों का वहन करें। राम इसके विपरीत है। जब युद्ध भूमि में दोनों सेना लड़ रही है तो राम की सेना में राम सबसे आगे हैं और उनके पीछे सेना है, और रावण की सेना में रावण की सेना सबसे आगे है, पहले पैदल है, फिर आदि हाथी रथ घोड़े सोचो जो भी सेना के उपक्रम होते हैं उसके बाद में रावण खड़ा हुआ है। युद्ध नीति क्या है? राम का संदेश स्पष्ट है, युद्ध मेरा और तुम्हारा है। ये मेरे निरपराध जो सैनिक हैं, इन लोगों ने आपका और मेरा क्या, मेरे साथ हैं ये, तो मेरे साथ हैं तो ये सुरक्षित रहें, ये मेरा दायित्व है, इसलिए इनसे आपकी शत्रुता नहीं है। ये राम की सोच है और इसलिए राम आगे खड़े हैं कि मेरे रहते हुए ये सब सुरक्षित रहना चाहिए। ये राम की नीति, किसी का भी अहित ना हो मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है। और रावण की नीति, उन्होंने युद्ध भूमि में प्रवेश करने के पहले ये घोषणा कर दी कि युद्ध में सामने से जाकर के लड़ना, मर जाना, पलट करके मत आना, यदि तुम पलटे तो पीछे से तुम्हें मैं मार दूंगा। ये रावण की नीति, अंतर आपको स्पष्ट दिखेगा। जो राम के साथ है वो सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात विग्रहवान सशरीर धर्म का अवतार है। और रामादिवत वर्तितव्यम न तो रावणादिवत, ये जो हमारा साहित्य कह रहा है कि राम के जैसे जीवन में जीना, रावण जैसा आचरण नहीं करना, ये एक युद्ध नीति से स्पष्ट हो जाता है कि एक उस तरफ कह रहा है कि पलटना मत, मैं तुम सबको देख रहा हूं, सबके ऊपर मेरी दृष्टि, यदि तुमने मेरे लिए ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसा कह करके दबा करके शासन करना, ये रावण नीति है, और सबको सुरक्षित रखते हुए शासन की व्यवस्था करना, ये राम राज्य की नीति है। ये दोनों नीति को विश्व पटल के ऊपर हम आज की परिस्थितियों में देख सकते हैं। भारत की नीति और अन्यान्य देशों की नीति, अभी युद्ध की कुछ घटनाएं भी चल रही हैं वर्तमान प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य में, आप देखें वो किस तरफ जा रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात, राम का जो एक आदर्श है कि जीवन में किस तरह से रहना, विवाह हुआ राम का और सीता के कक्ष में राम ने प्रवेश किया। अब राम के पास सीता जी को देने के लिए गिफ्ट क्या है, क्या उपहार है? हम लोगों के जीवन में भी होता है सोच करके कि आकाश के तारे तोड़ लाऊंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, बहुत सुंदर हीरे का हार और न जाने क्या क्या ताम झाम, बहुत सारी चीजें एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं। राम विचार कर रहे हैं कि सीता के साथ मेरा प्रथम मिलन है, मैं सीता को क्या दूं? ये भी राजनंदिनी है, जनक के यहां पर क्या कमी रही होगी सीता के पास? यदि मैंने एक बहुत सुंदर भी रत्नों का हार दे दिया तो सीता के लिए क्या कीमत होगी उसकी? और यदि मैं अपने राज्य का एक राजा होकर के, राजकुमार होकर के सीता को कुछ देता हूं तो भी सीता के लिए क्या कीमत होगी? राम विचार कर रहे हैं, प्रत्येक कृत्य में विचार है। और जब विचार की बात आई तो उन्होंने यही सीता को दिया कि सीता मैं तुम्हें कुछ देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन एक चीज मैं तुम्हें दे सकता हूं, राम का यही वचन है, और ये वचन मैं तुम्हें देता हूं कि आजीवन एक पत्नी व्रती रहूंगा। राजा होकर के बहुत बड़ी बात है, एक पत्नी व्रत राम का धर्म है, राम के राज्य की नींव है। पूरी रामायण को आप राम के अयन को देखेंगे, राम के मार्ग को देखेंगे तो आपको पूरी रामायण एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि उन्होंने सीता को जो एक पत्नी व्रत का उपहार भेंट किया वो राम के जीवन का कितना अमूल्य और सीता के जीवन का कितना अमूल्य गहना। हम लोग तो रोज छोड़ते हैं, रोज जोड़ते हैं, रोज इसको उठाते हैं, रोज उसको गिराते हैं, ये हम लोगों की नीतियां हैं, मनुष्यों की नीतियां। राम की नीति में एक पत्नी व्रत, यदि एक पत्नी व्रत जीवन में धारण करने वाली अवधारणा हो गई तो विश्व के सारे न्यायालय 80% न्यायालय बंद हो जाएंगे। 4 महीने होता नहीं है और लोग कोर्ट पे चढ़ जाते हैं कि मुझे नहीं जम रहा, मुझे नहीं जम रहा। अरे वाह भाई, राम के देश में रहने वाला व्यक्ति यदि ऐसा सोचता है। तीसरी बात, राम के साथ जो एक समरसता का भाव जो अभी चर्चा में आया, वो जो जुड़ा हुआ है,
दृष्टि राम की देखिए, जिस समय तमसा नदी के किनारे राम वहां पर खड़े हैं, केवट सामने हैं और केवट अड़ गया है कि मैं दोनों के चरण धुलाऊंगा, तो राम की स्थिति क्या है? उन्होंने पहले मना किया कि मैं चरण नहीं धोने दूंगा, तो उन्होंने कहा मैं भी आपको बैठाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने देख लिया है कि आपने अहिल्या का उद्धार किया, अब मैं तो गरीब आदमी हूं, यदि ये नाव पे आप पांव रखेंगे ये स्त्री बन जाएगी तो मेरे जीवन का क्या होगा। प्रिय बच्चों, केवट राम का आराध्य है, ये बात नहीं भूलना, आराध्य है, तो बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, जो उनके साथ गुरुकुल में पढ़ा करता था। राम ने उसको अपने जीवन की धन्यता का अवसर दिया, राम सीता के उसने ऐसा नहीं किया, दोनों के चरण एक साथ धुलाए हैं केवट ने, और ये बहुत बड़ी गहराई है रामायण में कि दोनों के चरण एक साथ धुलाए, तब राम की दृष्टि केवट की तरफ गई और केवट की तरफ दृष्टि डालते हुए उन्होंने सीता की तरफ देखा और सीता को देख करके उन्होंने अपने नेत्र ऊपर किए, सीता को समझी, सीता ने भी राम को देखकर अपने नेत्र नीचे किए और इशारा किया कि नहीं। तब राम ने जो भाव था उसको प्रकट करते हुआ ये कहा है, ये स्वीकारा है कि या तो ये चरण विदेहराज जनक ने धोए थे या ये चरण केवट इसका सुख ले रहा है, ये केवट है जिसको भगवान ने जनक जैसा आदर दिया, ये राम का आदर्श है, ये राम राज्य की अवधारणा का बीज है। ये जो प्रसंग है राम राज्य के, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक ताप राम के राज्य में आ ही नहीं सकता, जहां कुत्ते को भी न्याय मिल रहा है, जहां सन्यासी को भी न्याय मिल रहा है, जहां पर अशरीरधारियों को भी न्याय मिल रहा है। राम के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र था, जिसको न्याय चाहिए होता था वो सीधे राम के राज्य में जाता था। आजकल तो राजा के पास जाने के लिए न जाने कितनी सीढ़ियां पार करना होती है। राम राज्य में अव्याहत प्रवेश, कोई भी जाकर अपनी बात कह सकता। और एक अंतिम प्रसंग के साथ, जो राम राज्य की नींव का आधार है, जिसे रावण भी मानता था, राम के साथ समुद्र सेतु वाली घटना बहुत गंभीर घटना है। अभी विगत दिनों हम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि जब धनुषकोटि तीर्थ पर, रामेश्वरम के आगे धनुषकोटि तीर्थ पर हम लोगों को जाने का अवसर मिला, उस तीर्थ पर बैठे बैठे समुद्र ऐसा दूर तक कहीं कुछ नहीं, कोई मनुष्य नहीं, तब अचानक ये विचार मन में आया कि वो क्या समय रहा होगा कि इस दक्षिण में जहां पर कोई जानने वाला नहीं, बंदर भालुओं की सेना के साथ केवल दो मनुष्य, कल्पना तो करो राम के जीवन की, केवल दो मनुष्य उस धनुषकोटि तीर्थ पर रहे होंगे जहां से आगे समुद्र सेतु बना हुआ है, कोई बात करने वाला नहीं, कोई भाषा समझने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। और मैं सत्य कह रहा हूं कि उस जगह पर बैठ करके इतना अंदर से भाव विफलता ऐसी प्रकट हुई कि निश्चित रूप से वहां पर रुदन हुआ, ये कैसे राम ने किया होगा, और वहां पर समुद्र सेतु जैसा महान संकल्प। और ये घटना हम लोगों को मालूम है कि सब वानर जगह जगह से पत्थर लेकर आ रहे हैं वहां डालने के लिए और पत्थर तैर रहे हैं। अब ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी, पत्थर तैर रहे हैं वहां पर, कहीं दूर दूर तक आप जाएंगे उस धनुषकोटि पे कहीं पर भी कोई पत्थर नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, कहां कहां से आए होंगे कल्पना कीजिए, पर पुरुषार्थ राम का। तो उस जगह पर दोनों तरफ ये बात हुई, भगवान ने सुना और रावण ने भी सुना, रावण के पास संदेश गया कि समुद्र पर सेतु बन रहा है और समुद्र में पत्थर तैर रहे हैं, ये राम के पुरुषार्थ के कारण हो रहा है। और लंका में ये खबर फैल रही है कि क्या आप में ये सामर्थ्य है कि आप पत्थर तैरा सकें। अब विपरीतता फैलने लगी, नकारात्मकता आ गई, रावण ने सोचा कि ये धीरे धीरे लंका मेरी विरोधी ना हो जाए, क्योंकि राम पत्थर तैरा रहे हैं और मैं तो ये कर नहीं सकता। तो उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ रावण ने कहा कि हाँ मैं भी पत्थर तैरा सकता हूं, केवल राम ही नहीं तैरा सकते। ये जो एक भाव होता है ना कि दूसरे की कभी भी प्रभुता को स्वीकार नहीं करना, कैसे नीचे दिखाना। रावण ने कहा वाह वो वनवासी पत्थर तैरा सकता, मैं भी तैरा सकता हूं, मेरे में कौन सी कमी है। पत्थर तैराने के लिए पूरी लंका के लोगों के साथ रावण गए और रावण वहां जाकर के उन्होंने एक पत्थर लिया और पत्थर लेकर के उस पत्थर के ऊपर कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ करके समुद्र में डाला, पत्थर तैर गया, पूरी लंका में आह्लाद फैल गया, वाह अरे साहब आप भी बड़े बली हैं, आप भी बड़े महान हैं, पत्थर तैरा दिया, आपने भी बहुत महान काम कर दिया। और इधर मंदोदरी ने कहा कि आपके पास इतना बड़ा चमत्कार है, आपने मुझे छुपा करके रखा,
बोले देवी मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। बोले आपने मंत्र पढ़ करके मंत्र को तैरा दिया? बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने पत्थर को अपने नजदीक लिया, मुंह के नजदीक, और पत्थर को ये कहा कि हे पत्थर तैर जाना, तुम्हें राम की सौगंध है, तुम्हें राम की सौगंध है। ऐसा कर करके मैंने पत्थर को फेंका तो वो तैर गया। इधर राम दल में भी ये बात हुई, राम जी के मन में विचार आया कि बंदर भालू सब लेकर आ रहे हैं और ये सब क्या कर रहे हैं भाई, पत्थर तैर रहा है। तो उन्होंने जब सब सो गए तो रात्रि में नका देखे तो उसे क्या होता है। रात्रि में राम उठे, समुद्र के किनारे गए, आसपास देखा कि कोई भी नहीं, हनुमान जी छुप करके चल रहे थे। हनुमान जी गए तो लक्ष्मण भी पीछे छुप करके कि भैया रात्रि में कहाँ जा रहे हैं, दोनों इनका पीछा कर रहे हैं छुप छुप करके। वहां जाकर के उन्होंने चारों तरफ फिर देखा, आश्वस्त हो गए कि कोई नहीं है। एक पत्थर उठाया और पत्थर को उठा करके समुद्र में डाला तो पत्थर डूब गया। अब राम घबराए कि ये क्या हुआ, फट से देखा कोई देख तो नहीं रहा है। दोनों प्रतीक्षा ही कर रहे थे, लक्ष्मण जी आ गए, हनुमान जी आ गए। बोले प्रभु ये क्या? बोले तुम लोग पत्थर ले ले करके आ रहे हो, बड़ी बड़ी शिलाएं वो तैर रही हैं और मैं पत्थर उठा करके मैंने जैसे ही डाला तो डूब गया। राम जी ने स्वीकारा सत्य ये। तो बोले प्रभु सही बात है, हनुमान जी ने कहा। बोले प्रभु आपके नाम से पत्थर तैर जाता है, आप जिसे वो स्वयं उठा करके छोड़ देंगे वो तो डूबेगा ही ना, वो कैसे तैर सकता है, आपने पत्थर को छोड़ दिया हो तो गया। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि हो जाए सहज संभाव्य है। राम का चरित स्वयं काव्य है, इसलिए राम के साथ चरित शब्द जुड़ा हुआ है। और सर ने जो बताया कृष्ण के साथ लीला शब्द जुड़ा हुआ है, लीला में सब कुछ माफ है, चरित में बिल्कुल नहीं, कठोरता। क्योंकि रामादिवत वर्तितव्यम, कृष्ण जैसा आचरण करना ये शास्त्र नहीं कहते हैं, राम जैसा आचरण करना, तेन त्यक्तेन वंचित। जब आप अधिकार छोड़ेंगे तो अधिकार पीछे आएगा, और अधिकार को पकड़ने के लिए भागेंगे तो अधिकार बहुत आगे चला जाएगा। अधिकार गुणवत्ता से प्राप्त होता है, अधिकार मांगने से, मांगीलाल बनने से कभी अधिकार प्राप्त नहीं होता। ये राम राज्य की अवधारणा है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच